अस्सलामुअलैकुम। रेसिपी हब में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ़िश फ्राई, जिसके लिए यहाँ पे मैंने बांगड़ा फ़िश यानी कि मैकरल ली है। ये तकरीबन 5 मैंने यहाँ पे मैकरल्स लिए हैं और इनमें अच्छे से स्लिट्स मैंने बना ली हैं। इसके दूसरे इंग्रेडिएंट्स कुछ यूँ हैं: नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी चीनी, 2 दालचीनी और लौंग, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ज़ीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, होल ब्लैक पेपरकॉर्न्स यानी कि साबुत काली मिर्च, मेथी दाना यानी कि फेन्यूग्रीक और थोड़ी सी राय यानी कि मस्टर्ड मैंने यहाँ पे ली है। तो चलिए सबसे पहले हम इस मछली के ऊपर नमक और हल्दी डाल के अच्छे से रब करके इसे साइड में रख देंगे। इसका सबसे पहला मैरिनेशन यही होगा, नमक और हल्दी। नमक और हल्दी डालने के बाद इसे अच्छे से हम रब करेंगे और इनके तमाम स्लिट्स के अंदर हम इसे रब करेंगे। इसे साइड में रख देने के बाद हम एक मिक्सर जार ले लेंगे और इसमें इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम लेंगे काली मिर्च, तकरीबन 2 स्पून यहाँ पे मैंने काली मिर्च ली है। मेथी दाना मैंने बस थोड़ा सा लिया है यानी कि 1/2 टीस्पून, और मस्टर्ड सीड्स भी हमें काफ़ी कम लेनी है वरना ये बिटर हो जाएगा। क्यूमिन सीड्स हमने 1 टीस्पून भर के यहाँ पे ली है। 1 पिंच शुगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्योंकि हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे। सिनेमन और क्लोव के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हम इसमें ऐड कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, इन सबको ऐड करने के बाद विनेगर हम इसमें डाल के ग्राइंड करेंगे। यहाँ पे हमारा पेस्ट बिल्कुल बनके तैयार है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। ये ध्यान देते हुए हमें नमक ऐड करना है क्योंकि हमने मछली में भी नमक ऐड किया था, तो नमक ज़्यादा ना हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद इस मछली के ऊपर मैं इस मसाले को रब कर दूंगी। हमें इसे अच्छे से मैरिनेट करना है और इसे हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तकरीबन 1 या 2 घंटे के लिए। जितना ज़्यादा ये मैरिनेट होगा उतना ही ज़्यादा इस फिश का टेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सारी मछली को जो है मैंने मसाला अच्छे से भरकर लगा दिया है। तो अभी फ्राइंग की ओर चलते हुए हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने ले लिया है तेल, थोड़ी से करी पत्ते और मछली। यहाँ एक पैन में तेल मैंने ले लिया है और इसमें मैं मछली ऐड कर दूंगी। आंच को हम धीमा ही रखेंगे। हमारी फ़िश बिल्कुल बनके तैयार है। तकरीबन 8 से 9 मिनट के अंदर हमारी फ़िश रेडी हो जाएगी, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से फुली कुक्ड। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।